हेलो एवरी वन माई नेम इस्त गोर एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास मोस्ट प्रिडिक्टेबल टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके ऊपर हमारा जो क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव आने वाला है ठीक है स्टार्टिंग करते हैं हम कॉन्क्लूजनस के साथ कॉन्क्लूजन क्या होता है कंक्लूजन होता है आउटकम दैट इज हंड्रेड परसेंट दीज आर द ऑप्शन विच आर मस्ट बी कंप्लीटली रिलेटेड टू द पैसेजेस वेदर दे इज एक्सप्रेसिटली स्टेटेड और नॉट हंड्रेड परसेंट इंफॉर्मेशन से मतलब हुआ है यहाँ पर बेटा उट ऑफ द गिवे ऑप्शन मस्ट बी रिलेटेड टू दैसेज इसमें कुछ भी ऐसा पोर्शन नहीं होना चाहिए जो आपके पैसेज से रिलेटेड है ही नहीं लेट स्टॉक अबाउट द इंफ्रेंसेस इंफ्रेंसेज आर ऑल्सो द आउटकम्स लाइक्स द कंक्लूजन इंफ्रेंसेज भी एक तरह का रिजल्ट होता है बट अगर बात करें तो यह सिर्फ फिफ्टी परसेंट पैसेज से, पैसे से रिलेटेड होता है लाइक like,

तो याद रखिएगा जो कॉन्क्लूजन होता है वो हमेशा ऑथर के परस्पेक्टिव से आता है बेटा ऑथर ने आपके सामने जो ओपिनियंस अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे हैं इसके बेस पे लेकिन जो इन्फ्लुंस होता है वो हमेशा रीडर के परस्पेक्टिव से आता है क्लियर दैट्स वाई जो कॉन्क्लूजन होता है ये डेफिनेट नेचर का होता है और जो इन्फ्लुंस होता है वो पार्शियल नेचर का होता है पार्शियल बोल लो या फिर पॉसिबल नेचर क्लियर है इंफ्लुएंस जो होता है या तो वो पार्शियल या फिर पॉसिबल नेचर का और जो कंक्लूजन होता है वो डेफिनेट नेचर का होता है एंड दैट इज ऑफ द ऑथर्स ऑफ पर्सपेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस इज ऑफ द रीडर्स पर्सपेक्टिव आई होप कि इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अभी तक की समझ आई होगी लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट स्लाइड वी आर टॉकिंग अबाउट द अंडरलाइंग एजम्शन अंडरलाइंग एजम्पन्स क्या होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एजम्शन के बारे में एजम्पन्स आर द बेस स्टेटमेंट टू सपोर्ट द मेन आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट इन द पैसेज लाइक देज आर द बेस स्टेटमेंट्स विच सपोर्ट द मेन आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट इन द पैसेज बट इसके साथ कुछ कंडीशंस आते हैं कंडीशन जैसे कि दे मस्ट नॉट दे मस्ट बी पॉजिटिव इन नेचर ये हमेशा पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए सेकेंड इज मस्ट नॉट बी स्टेटेड इन द पैसेज इट इज द फर्स्ट थिंग एजम्सन पैसेज में नहीं होने चाहिए बट आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो फैक्ट्स और, और में मिलते हैं, हैं। उसे बोलते जो आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहे हो एंड द लास्ट वन मस्ट नॉट बी डेफिनेट इन नेचर के नहीं होने चाहिए दैट मीन ए पॉसिबल के होने चाहिए ठीक है क्लियर द थिंग इज the third slide, underlying premises. the premises or assumptions means the difference in if we are talking about the assumptions, they are, are, they are the facts and evidences support the main argument. and the premises are also the same thing. these are also the facts and evidences support the main argument present in the passage. ok but the difference is assumptions must not be explicitly stated in the passage, but premises. मस्ट भी दिमाइज मस्ट भी एक्सप्लिस द पैसेज प्रेमायस और एजम्पन में डिफरेंस दे बोथ आर सेम बट प्रीमायर प्रेजेंट इन दैसेज स्टेटेड इन द पैसेज विच सपोर्ट द मेन आर्ग्यूमेंट एंड कम्स टू द कंक्लूजन एजम्प्शन आर दल्सो द फैक्ट्स एंड एविडेंसेज बट नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द पैसेज लेकिन रिलेट करते हैं हमेशा मेन आर्ग्यूमेंट से क्लियर श्योर तो आर्ग्यूमेंट प्लस एजम्प्शन इज ऑल्सो कन्क्लूजन एंड आर्ग्यूमेंट प्लस प्रोमासन क्लियर श्योर चलिए नेक्स्ट टू दाइन आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है अगर बेसिकली बात करें आर्ग्यूमेंट्स की तो आर्ग्यूमेंट का मतलब ओपिनियन होता है आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ओपिनियन बट प्रॉब्लम यह आती है बेटा की ओपिनियन या तो किसी सिचुएशन के फेवर में हो सकता है या अगेंस्ट में हो सकता है क्लियर एंड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखा जाए तो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड जो ओपिनियन फेवर में और अगेंस्ट में दोनों के दोनों सही हो सकते हैं सैमेंटेनियसली एंड सेम सिनेरियो में दोनों के दोनों गलत भी हो सकते हैं सैमेंटेनियसली इसी वजह से जो आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन आता है बेटा वो फेवर और अगेंस्ट का नहीं आता वो पूछते हैं आर्ग्यूमेंट के अंदर स्ट्रेंथ वेदर द स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग और इट इज़ वीक राइट तो स्ट्रेंदन में आपके पास स्ट्रेंदन वर्ड आ जाए रीन आ जाए सपोर्ट आ जाए बात एक ही होती है ठीक रीन द पैसेजेस आर्ग्यूमेंट रीन फोर्स द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट बात एक ही है तो जब भी स्ट्रेंदन वाला पॉइंट आएगा तो यू हैव टू गो फॉर द फेवर ऑप्शन हंड्रेड रिलेटेड ऑप्शन फेवर में हो हंड्रेड रिलेटेड हो तो बात करेंगे स्ट्रेंदन की वीकेंड का मतलब अपोज अपोजिट बोल रहा हो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बोल रहा हो रिलेटेड टू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीकेंड के बारे में एक बात बताता हूँ बेटा वीकेंड आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना इजी होता है इन कंपैरिजन टू स्टेंद एन आर्ग्यूमेंट्स वाई सो क्योंकि या तो ये मेन आर्ग्यूमेंट के अपोजिट बोलेगा या फिर उसके कॉन्ट्रोडिक्शन में बोलेगा बट कंप्लीटली पैसेज से रिलेटेड होगा ओके okay? अभी हम आगे फ्लो पढ़ेंगे और वहाँ पर इसका और वीकनिंग आर्ग्यूमेंट और फ्लो का रिलेशन बताते हैं आपको लाइकली टू बी ट्रू लाइकली टू बी ट्रू इज जस्ट सेम एज द स्टेंद एन इन द फेवर ऑफ द सिचुएशन एंड 100% परसेंट रिलेटेड टू द पैसेज बट नॉट लाइकली टू बी ट्रू और डिसग्री में हल्का सा चेंज आता है ये वीकेंड के जैसा पूरा नहीं है वीकेंड कहता है आदर अपोज और कॉन्ट्राडिक्शन राइट बट नॉट लाइकली टू बी ट्रू बोलता है अपोज कॉन्ट्राडिक्शन एंड इसमें एक पॉइंट और ऐड हो जाता है आउट ऑफ द बॉक्स अगर आउट ऑफ द बॉक्स में पैसेज से बाहर से भी कोई पॉइंट आ जाएगा तो भी नॉट लाइकली टू बी ट्रू में कंसिडर किया जाएगा क्लियर है क्लास सिंपल था वाला पॉइंट लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज द फ्लो फ्लो क्या होता है क्लास फ्लो इज अ मिस्टेक और एरर क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑप्शन फाइंड इन द ऑथर्स रीजनिंग अब ऑथर रीजनिंग का मतलब क्या हुआ जो ऑथर ने ओपिनियन लगाया राइट बट यहां पे डिफरेंस आता है फ्लोर वीकनिंग के बीच में इस चीज को बहुत तरीके से समझना जो फ्लो के अंदर ओपिनियन आता है वो हमेशा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पे आता है और जो वीकनिंग के अंदर ओपिनियन आता है वो हमेशा कंप्लीट इंफॉर्मेशन पे आता है तभी बोला जाता है वीकनिंग को रिलेटेड टू पैसेज होना चाहिए बट इट इज नॉट नेसेसरी जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोई मिस्टर एक्स है एंड उसके जो फादर है आ, मिस्टर एक्स जो है बहुत ज़्यादा स्टूडियस स्टूडेंट है एंड लेकिन वो सुबह छः बजे उठते हैं और फ़ोन चलाने लगते हैं दस बजे तक उनके पापा ऑफिस जब तक नहीं जाते तब तक फ़ोन चलाते रहते हैं क्लियर एंड जैसे उसके पापा ऑफिस जाते हैं घर से निकलते हैं वो अपना पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है किताब लेके स्टार्ट स्टडी शाम को छः बजे उसके पापा आते हैं तब तक वो रिग्रेस स्टडी करता है मिस्टर एक्स क्लियर जैसे उसके पापा घर में घुसते हैं वो फिर से फोन चलाना स्टार्ट कर देता है तो ऐसी सिचुएशन में मिस्टर एक्स के पापा क्या बोलेंगे क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन सुबह दस बजे से पहले की और शाम को छः बजे के बाद की है तो उनके अकॉर्डिंग वो बोलने वाले हैं कि उनका जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है पूरे दिन फोन में लगा रहता है बट उनका ओपिनियन वीक नहीं बोला जाएगा उनके ओपिनियन के अंदर फ्लो बोला जाएगा क्यों बोला जाएगा बिकॉज दस से छः के बीच वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास है ही नहीं प्रेजेंट ही नहीं है उनके सामने जब उनके सामने वो प्रेजेंट ही नहीं है तो वो उसके ऊपर जो ओपिनियन माना जाएगा वो पूरी तरह से वीक क्यों बोला जाए क्लियर तो फ्लो हमेशा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पाते हैं अब पॉइंट समझना अगर उन्हें पता होता दस से छः के बीच में वो पढ़ रहा है और उसके बावजूद वो बोल दें कि मेरा बेटा तो पढ़ता ही नहीं है पूरे दिन फ़ोन में लगा रहता है अब उनका ओपिनियन वीक होगा रिलेटेड टू पैसेज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल बट ही इज़ टॉकिंग ऑन इन द अपोजिट इन द कॉन्ट्रोडिक्ट्री पॉइंट अपोजिट पॉइंट ठीक है तो वीकनिंग हो गया कंप्लीट इन्फॉर्म पे एंड जो फ्लो होता है वो हमेशा इनकम्प्लीट इन्फॉर्म पे होता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पे क्यों होता है देखिए व्हेन ऑथर नेग्लेक्ट द अदर फैक्टर्स विच आर क्रूशियल रिलेटेड टू द मेन आर्ग्यूमेंट जब ऑथर जो होता है वो नेग्लेक्ट कर देता है अदर फैक्टर्स को अगर कोई मेन आर्ग्यूमेंट चल रहा है उससे रिलेटेड उसने कोई रीज़न दिया और उस रीजन के अलावा उसने बोल दिया इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है अदर फैक्टर्स को नेग्लेक्ट किया

क्लियर लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट पैराडॉक्स एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड पैराडॉक्स क्या होता है क्लास बहुत सिंपल सी बात है पैराडॉक्स का मतलब हुआ द contradictory सिचुएशन अब contradictory सिचुएशन मतलब जब मेन आर्गुमेंट से रिलेटेड आपके पास दो अलग अलग पॉइंट्स आ जाए एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाए और एक नेगेटिव पॉइंट आ जाए आप समझ जाना कि वहां पे पैराडॉक्स चल रहा है जैसे कि इफ आई से दैट मिस्टर एक्स इज वेरी स्टूडियस एंड ही स्टडिंग हार्ड अराउंड टेन आवर्स अ डे आउट ऑफ ट्वेंटी फोर आवर्स वो दस घंटे पढ़ाई कर रहे हैं एंड स्टिल ही इज़ नॉट गेटिंग द गुड स्कोर इन हिज मॉक्स ही इज स्टडिंग हार्ड बट स्टिल ही इज नॉट गेटिंग द गुड स्कोर दैट मीन्स यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है पढ़ रहे हैं स्कोर नहीं आ रहा दिस इज अ पैराडॉक्स ओके कॉन्ट्राडिक्ट्री सिचुएशन रिलेटेड टू मेन आर्ग्यूमेंट दैट इज मिस्टर एक्स अब यहाँ पे बात करते हैं पैराडॉक्स तो पता ही चल गया आइडेंटिफाई कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशंस रिज़ोल्व द पैराडॉक्स क्या होता है रिज़ोल्व द पैराडॉक्स का मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ द पैराडॉक्स और इवैल्यूएट द पैराडॉक्स और एक्सप्लेन द कॉन्ट्रडिक्टरी अपरेंट या पैराडॉक्स और वन मोर वर्ड आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल कॉज बिहाइंड द पैराडॉक्स रिजॉल्व बोला हो एक्सप्लेन बोला बोलाओ समझ जाना वो एक ही चीज़ बोल रहा है या तो आइडेंटिफाई द पैराडॉक्स आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल कॉज बिहाइंड द पैराडॉक्स या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पैराडॉक्स बात एक ही है ठीक है कन्फ्यूज़ नहीं होना अब मैंने बोला मिस्टर एक्स दस घंटे पढ़ रहे हैं स्टिल ही इज नॉट गेटिंग द गुड मार्क्स दैट मीन इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है रीजन होगा ही इज़ नॉट स्टडिंग प्रॉपर्ली आउट ऑफ द टेन आवर्स आउट ऑफ टेन आवर्स आठ घंटे वो फोन के साथ पढ़ रहे हैं फोन चलाते चलाते पढ़ रहे हैं दो घंटे वो एक्चुअली में पढ़ रहे हैं दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी कम हो गई अब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो उनके स्कोर भी कम होने स्टार्ट हो गए सो द रीजन वॉज ही वॉज नॉट स्टडिंग प्रॉपरली जो स्टडिंग प्रॉपरली है उससे फर्स्ट जो पॉजिटिव पॉइंट है वो भी जस्टिफाई हो रहा है दस घंटे दस पढ़ रहा है लेकिन प्रॉपरली नहीं पढ़ रहा नंबर अच्छे नहीं आ रहे क्योंकि वो प्रॉपरली नहीं पढ़ रहा एक बीच का एक ऐसा कॉज हमें बताना होता है जिससे हमारा जो आइडेंटिफाई हो जाता है ये पैराडॉक्स क्लियर रिजोल्व द पैराडॉक्स का मतलब आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कॉज बिहाइंड द टू कॉन्ट्रोडिक्टी सिचुएशन यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा क्लास जो कॉज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक होता है प्रिंसिपल कॉज आप कंफ्यूज मत होना दोनों में एक होता है ऑर्डिनरी कॉज ऑर्डिनरी कॉज वो होते हैं क्लास जिसमें मल्टीपल कॉजेज आ सकते हैं मल्टीपल कॉजेज कैन भी देयर बट जो प्रिंसिपल कॉज होता है इसमें सिर्फ एक एक कॉज आता है ये डेफिनेट होता है डेफिनेट और ये पार्शल दैट इज ए पॉसिबिलिटी में हो सकता है एग्जाम्पल से बताता हूं इफ आई सी दैट इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द वॉन द वर्ल्ड कप मैच इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द वर्ल्ड कप मैच दैट इज एन इफेक्ट क्लियर इसके अकॉर्डिंग मैंने कॉज बताया बैट्समैन द बैटमैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम वॉज प्लेड वेट अगर मैं बोलूँ बैट्समैन जो थे वो बहुत अच्छे से खेले तो क्या वो ऑर्डनरी कॉज होगा प्रिंसिपल येस दैट इज द ऑर्डिनरी कॉज क्यों क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बॉलर्स अच्छे से खेले और इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ पर फील्डर्स अच्छे से खेले हो दैट इज द ऑर्डनरी कॉज बट इफ़ आई से दैट ऑल द प्लेयर्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम प्लेड वेल दैट मीन्स दैट इज द प्रिंसिपल कॉज क्योंकि उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है जब आपके पास कॉज में पॉसिबिलिटी ना बचे आप समझ जाना वो प्रिंसिपल कॉज है कॉज में पॉसिबिलिटी के पॉसिबिलिटी के चांसेस है वो और नैनी कॉज है तो आपके पास इसमें जो रिजोल्व द पैराडॉक्स के अंदर कॉज निकालना होता है वो प्रिंसिपल कॉज निकालना होता बेटा, हो. है? है बेटा जिसमें पॉसिबिलिटी के चांसेस ना हो क्लियर है लास्ट आता है बेटा इसमें इलस्ट्रेट द पैराडॉक्स इलस्ट्रेट द पैराडॉक्स का मतलब एग्जाम्पल ऑफ द पैराडॉक्स आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे बेटा कि uh, विच आर द फॉलोइंग स्टेट द पैरल रीजनिंग स्टेट इज इन द पैसेज पैरल रीजनिंग का मतलब क्या होता है जिस कॉन्टेक्स में आपके पास आर्ग्यूमेंट आपके पास पैसेज में आया है जिस कॉन्टेक्स में बात चल रही है पैसेज में उसी कॉन्टेक्स में एक फर्दर ऑप्शन आपके पास आ जाता है आउट ऑफ द बॉक्स आपको बताना है तो कौन सा ऑप्शन उसमें वैलिड है सेम बेटा इलस्ट्रेट द पैराडॉक्स में होता है बट यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आ जाता है इलस्ट्रेट द पैराडॉक्स में जो ऑप्शन आते हैं वो पैसेज से भी हो सकते हैं और पैसेज के बाहर से भी हो सकते हैं क्लियर है श्योर आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास में जो हमने इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात करी मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस के ऊपर बात करी ये समझ में आया होगा फिर भी अगर आप लोगों के कोई डाउट्स वगैरह हो कोई कमेंट्स वगैरह तो आप लोग आगे पोस्ट करके बता सकते हैं क्लियर ओके हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम फॉर योर क्लैट एग्जाम एंड एलेट एग्जाम एंड सो ऑन जितने भी एग्ज़ाम्स हैं क्लियर थैंक यू क्लास